बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम टेस्टी किचन एसए देखने वालों को हमारा सलाम। और आज हम बना रहे हैं अपने किचन में मटन कुन्ना। और शुरू करते हैं हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए, मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये है 3/4 कप कुकिंग ऑयल, यानी कि 1 कप का 3 हिस्से। तो इसको गर्म होने रख दिया था मैंने और अब ये गर्म हो चुका है, बिल्कुल धीमी आँच के ऊपर मैंने रखा है। और साथ ही मैं इसमें अब शामिल करूंगी, ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया, तो ये प्याज मैंने लिए 3 मीडियम साइज़ के। और इनको मैंने जिस तरह से हम बिल्कुल मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस तरह से सलाद के लिए हम बारीक बारीक प्याज की कटिंग करते हैं स्लाइस, बिल्कुल उसी तरह से मैंने इनको बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। और इनको बारीक काटने का मकसद ये है कि हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए बारीक प्याज हम काटेंगे ताकि वो जल्दी से गल जाए। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। तो अब मैं ना इसमें शामिल करती हूँ प्याज, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सलाद की तरह से मैंने इनको काट लिया। और ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो चुका था, एक दफ़ा इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। और अभी आंच जो है वो बिल्कुल धीमी है, धीमी आंच के ऊपर मैं इसको पका रही हूँ, तो थोड़ी सी अभी हमें देर लगेगी ताकि प्याज जो है वो हमारा थोड़ा सा अपना रंग जो है वो बदल ले। याद रखें कि हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, इसका सिर्फ हमें रंग चेंज करना है, थोड़ा सा सौते हो जाए, थोड़ा सा ये मुरझा जाए, तो उस वक्त तक हम इसका वेट करते हैं। जी प्याज मैं आपको दिखा दूँ कि प्याज मुरझा चुका है और इसको हमने तकरीबन 3 या 4 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे फ्राई किया था। और अब मैं क्या करती हूँ कि इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक के, दोनों मैंने शामिल कर दिए इसमें। और इसको भी सिर्फ प्याज के साथ उतनी देर ही फ्राई करना है जितनी देर में इनका कच्चापन दूर हो जाए, लहसुन और अदरक की थोड़ी सी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको भी हमने ब्राउन नहीं करना है क्योंकि कुन्ना में जब हम बनाते हैं तो कुन्ने में प्याज को और लहसुन अदरक को ब्राउन नहीं किया जाता है। अच्छा, बेसिकली आपको बताऊं कि कुन्ना असल में है क्या चीज़। ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी का बना हुआ एक राउंड पॉट, गोल हांडी, जिसमें आम तौर पे हमारे देहातों में और अब तो शहरों में भी ये बनाते हैं, इसमें हांडी बनाते हैं, तो ये असल में कुन्ना कहलाती है पंजाबी ज़ुबान में। ये जो चीज़ है ये कुन्ना कहलाती है। और इसमें जब हम कोई चीज़ मटन बना लें या बीफ बनाएं या हम चिकन भी बनाएं तो हम फिर उसको कहते हैं कि ये मटन कुन्ना या बीफ कुन्ना या फिर चिकन कुन्ना। तो असल में पंजाबी ज़ुबान में कुन्ना कहते हैं मिट्टी की हांडी को। चलिए जी, लहसुन और अदरक की स्मेल जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, इसे 15-20 सेकेंड के लिए मैंने सिर्फ इसको प्याज के साथ फ्राई किया है। और अब मैं इसमें शामिल करती हूँ बाकी के मसाला जात। अच्छा जी, 1/2 टेबल स्पून इसमें गया नमक, 2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे हम हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर ये घर की पिसी हुई हल्दी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। तो 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है हल्दी पाउडर। और एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि ये ऑयल के साथ अच्छी तरह से इनकी भुनाई हो जाए। अच्छा जी, और जैसे ही आप देखें कि ऑयल ने मसाला छोड़ दिया, ऑयल एक साइड पे निकला है, तो और ये हमारा इस वक्त ऑयल एक साइड पे हो गया है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 500 ग्राम मेरे पास है मटन, वो शामिल करेंगे। अच्छा जी, मटन शामिल कर दिया हमने और अब हमें क्या करते हैं कि इसको मसाले के साथ हमें थोड़ी देर फ्राई करना है।
ये सारा काम जो है वो अभी तक बहुत मध्यम आंच के ऊपर हो रहा है, हल्के हल्के ये पकेगा और जितना हल्का हल्का पकेगा उतना ही ये ज़्यादा मज़ा देगा। तो अब इसको ना हमें गोश्त के साथ थोड़ी देर मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि तमाम मसाले जो हैं और ऑयल और लहसुन प्याज और अदरक ये तमाम गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। और जब इसकी हम भुनाई करते हैं तो भुनाई करने से हांडी का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे अभी जी। ये देखें कि ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक अलग हो गया है और मैंने मटन डाल के और मैं इसकी हल्की आंच पे ही भुनाई कर रही हूँ। और मैं आपको इतने इजी तरीके से बता रही हूँ कि आपने कभी इतने इजी वे मटन कुना कि आपने कभी नहीं देखी होगी। ये इतना आसान तरीका है कि कोई जो नया सीखने वाला है वो भी इसको फ़ौरन से बना सकता है। अच्छा, अब क्या है कि मैंने इसकी ना तकरीबन 5 या 6 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और अब मैं इसमें ये तकरीबन है मेरे पास 150 ग्राम दही। और अच्छा, हमें ना मटन को इतनी देर हमें फ्राई करना है कि इसकी जो रंगत है ना वो थोड़ी सी तब्दील हो जाए भूनते भूनते। तो अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं फेंटा हुआ दही है 150 ग्राम, ये इसमें शामिल कर दिया। और याद रखें कि ये सारा काम जो है वो अभी तक बहुत लो फ्लेम के ऊपर हो रहा है। और अभी आप ये देखें कि आपको प्याज नज़र आ रहा होगा, हमें इसको धीमी आंच के ऊपर कुक करना है और इतना कुक करेंगे कि प्याज जो है वो अच्छी तरह से गल जाए और गलने के बाद ये ग्रेवी में तब्दील हो जाए। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर दें, थोड़ी सी भुनाई गोश्त की मज़ीद दही के साथ हो जाएगी। जी, अब ये देखें कि पकना शुरू हो गया है और गोश्त और दही डालने के बाद भी मैंने इसकी भुनाई की है तकरीबन 6 से 8 मिनट इसकी भुनाई कर दिया है। ऑयल बिल्कुल ऊपर आ गया है, ऑयल ने मसाले को छोड़ दिया है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा गिलास पानी और आधा गिलास पानी डालने के बाद एक दफ़ा इसको तमाम को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप इसको कवर करें और कवर करके हम इसको 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, मध्यम आंच के ऊपर पकाएंगे और ऐसे ही इसको ढक्कन देके हम पकाते हैं। जी, तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट के बाद इसको खोला है, बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ था। अच्छा, ये देखें कि अभी भी इसमें प्याज नज़र आ रहा है, प्याज को बिल्कुल हमें ग्रेवी की शक्ल देनी है। तो अब इसमें मैं पानी डालूँगी, तकरीबन आप इसमें डालें 1 से 1.5 गिलास पानी और उसके बाद हम इसको मध्यम आंच के ऊपर तकरीबन रख देंगे 1 घंटे के लिए और उसके बाद हम देखेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है या नहीं। इसी पानी में मध्यम आंच के ऊपर गोश्त को गलना है और पानी मैंने इसमें डाल दिया। गोश्त जैसे ही गलेगा उसके साथ ही प्याज भी अच्छी तरह से घुल जाएगा अच्छी तरह से गलने के बाद और वो ग्रेवी की शक्ल तैयार कर लेगा। ये मैंने इसको ढक दिया और अब मैं इसको मध्यम आंच के ऊपर 1 घंटे के लिए पकाऊंगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि मैंने तकरीबन 1.25 घंटे के बाद इसका ढक्कन उठाया है और इस वक्त हम चेक कर लेते हैं कि मटन हमारा गल गया है या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल परफेक्ट, ये बिल्कुल सही गल गए। अच्छा, और साथ में आपको इसका ये भी दिखाऊं कि वो जो प्याज थे अलग अलग, अब आप देखें, ये देखें प्याज बिल्कुल घुल चुका है और घुल के वो ग्रेवी की शक्ल में आ गया। इसी दौरान में, जिस दौरान में मटन हमने गलने के लिए रखा था, प्याज भी अच्छी तरह से गल के और वो घुल चुका है। ठीक है जी, तो अभी इसकी आँच को थोड़ा सा मैं मध्यम करके इसको यहीं पर छोड़ती हूँ और हम इतने में इसके लिए तैयार करते हैं थोड़े से इसकी ठीक करने के लिए, हम देखते हैं क्या करते हैं। चल जी, ये मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून, ये सादा आटा है जिसे हम घर में रोटियां वगैरह बनाते हैं और इस पे मैं डालूँगी तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी और इसको हम अच्छी तरह से
मिक्स करते हैं ताकि किसी भी किस्म का कोई लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। बहुत अच्छा स्मूथ पेस्ट हमें चाहिए इसका। मेरा ख्याल है ये हो गया बिल्कुल जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से हल हो गया। चलिए जी, अच्छा अब ये जो मैंने आटा घोला था ये थोड़े से पानी में ये मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसमें शामिल कर दिया और अच्छी तरह से इसको आप हिला दें। और अभी हमें इसको मज़ीद पकाना है क्योंकि आटा अभी कच्चा है और इसको थिक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आटा अच्छी तरह से पक जाएगा और हमारे जो मटन कुन्ना है वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे और थोड़ा सा हिलाते भी जाएं साथ साथ, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम मटन की भुनाई करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितना अच्छा ये थिक हो गया। ये देखें, और इस वक्त मिट्टी की हांडी की बहुत अच्छी खुशबू जो कि इस मटन कुन्ना में भी सराहियत कर जाती है और इसकी वजह से उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है बहुत अच्छा, खुशबू भी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ये देखें कितना अच्छा थिक हो गया ये। और इस दौरान मैं इसको लगातार हिला रही हूँ ताकि कहीं भी गुठली वगैरह ना बनने पाए। और जी अब मैं डाल रही हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिया है जी पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद ये है जी काला ज़ीरा भुना हुआ है और इसको मैं हाथ से ही क्रश करके और इसको मैं इसमें शामिल करती हूँ। ये हमने शामिल कर दिया और अब इसके बाद मैं इसको कवर करती हूँ। तकरीबन हम इसको रखेंगे 6 से 7 मिनट और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको डिश आउट करते हैं। अच्छा जी अब मैं आपको पहले शो करवा दूँ कि देखें कि ऑयल सारा ऊपर आ गया और इसको मैंने 5-6 मिनट मज़ीद बंद करके रख दिया था ताकि जो हमने आटा डाला था ठीक करने के लिए वो अच्छी तरह से पक जाए, तो वो भी पक गया। और दूसरा मकसद ये था कि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। ये सारा ऑयल देखें ऊपर आ गया और ये बहुत अच्छा थिक भी हो गया। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर रही हूँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कुन्ना तैयार हो गया और इसको मैंने फिर सब्ज़ धनिए के साथ और लहसुन और अदरक के साथ गार्निश किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मटन कुन्ना बिल्कुल तैयार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। और उसके बाद मैंने इसको सब्ज़ धनिए और जुलिन अदरक के साथ मैंने इसको गार्निश किया है। आप इसको तंदूर की रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो फ़ौरन से मिल सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।